इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाजरीन आदाब, इत्तेहाद न्यूज़ की खसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा उन्वान है हिंदू मुस्लिम एजेंडा और सियासत। आज़ादी के बाद सियासी पार्टियों ने अपने इक्तदार और मतलब के लिए हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद जैसे मामलों को उठाकर अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम किया है। ये नहीं देखा कि इन हसास मामलों को, इन इश्यूज़ को उठाने से दोनों फरीकैन के माबन कितनी नफ़रत बढ़ सकती है और कितना खून बह सकता है। आज जिस तरह से देश में हालात बने हुए हैं उसको देखा जाए तो सियासी पार्टियां तो अपने मकसद में कामयाब हो गईं, लेकिन दोनों मज़हब के मानने वालों के दरमियान दूरियां और बहुत हद तक नफ़रतें भी पैदा हो गई हैं और इसका खमियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। इन सब गैर ज़रूरी मामलात और रुशीस के चक्कर में देश कई साल पीछे हो गया है। करोड़ों नौकरियां चली गईं, कई कंपनियां बंद हो गईं, आरबीआई का रिजर्व फंड ख़त्म हो गया, किसान खुदकशी करने पर मजबूर हो गए, सरकारी कंपनियां और सरकारी इमलाक बेची जा रही हैं। कुल मिलाकर देश बर्बादी के दहाने पर आ खड़ा हुआ है। देश की अवाम को हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के मसलों से ज़्यादा रोज़गार के मसाइल का हल, एजुकेशन, हेल्थ केयर सुविधाएं मुहैया कराने के काम और देश की तरक्की पसंद है। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर लोगों को भड़काकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। मैं उन सियासी पार्टियों और नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई आपको हिंदुत्व और हिंदू से प्यार है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले मेरे उन हिंदू नौजवान भाइयों को रोज़गार दो जो रोज़गार न होने से परेशान हैं। मेरे उन हिंदू किसान भाइयों की मसाइल को हल करो जिनकी वजह से वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। कहा जाता है आपका हिंदू प्रेम जब मेरे हिंदू भाई पैसा नहीं होने की वजह से इलाज से महरूम होते हैं। कहा जाता है आपका हिंदू प्यार जब मेरे हिंदू भाई पैसा नहीं होने की वजह से एजुकेशन से महरूम हो जाते हैं। आपको मुसलमानों से नफरत है तो बेशक कीजिए नफरत, लेकिन मेरे उन मासूम और नादा हिंदू भाइयों के तो काम आइए जिनका नाम लेकर आप इख्तदार का मजा लूट रहे हैं। कुछ एक नेता और सियासी जमातें मुसलमानों में भी हैं जो मुसलमानों का नाम लेकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। बातें तो कौम की फिक्रमंदी की, लेकिन किरदार बड़ा अफसोसनाक। अगर वाकई कौम और मुसलमानों को लेकर आप फिक्रमंद हैं तो बताओ आपने उनकी बेहतरी के लिए क्या किया। अगर आप एमएलए या एमपी हैं तो आप बताएं कि क्या आपने अवाम के हर शोबे में खिदमत करके सियासी मिसाल कायम की। बंद करो ये कौम के नाम पर सियासत खेलना। अगर आप वाकई कौम के हमदर्द हैं तो आपके बोलने की ज़रूरत नहीं बल्कि आपका काम बोलेगा। अगर एक मुसलमान सही इस्लामी नहज पर काम करेगा तो वो गैर मुस्लिम इलाकों से भी जीत कर आ सकता है, चाहे जितना भी जहर मुसलमानों के खिलाफ घोला जाए। ये एक सच्चाई है और फितरी बात है कि बुराई अच्छाई पर गालिब आ जाती है। इसलिए मुसलमानों के चाहिए कि अपने दरमियान ऐसे रहबरों को आगे बढ़ाएं जो हकीकी मानों में लीडरशिप का हक अदा कर सकें। मतलब परस्त और कौम को बेचने वालों से परहेज करें। खैर, मैं तमाम देशवासियों से इल्तजा और गुजारिश करना चाहता हूं कि धर्म के नाम वाली सियासत से दूर रहें, देश और अवाम की भलाई के काम में आगे बढ़ें। यही हर धर्म की सीख है और यही देश के लिए बेहतर है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।